सभी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खास बात, यानी कि सभी सेडनाजियंस के लिए, सेडार्ट्स के लिए, शेनाजियंस के लिए, जितना भी हमारा बड़ा फैंडम है, उन सब के लिए खास बात। थोड़ा सा पॉइंट को नोटिस करिए, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लगातार नेगेटिविटी सामने आती है, यानी कि हेटर्स जो है वो हमेशा उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि भाई रुबीना दिलेक का फैंडम बड़ा है, रुबीना ने सिद्धार्थ का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, शहनाज गिल के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, और जो अभिनव शुक्ला हैं वो सिद्धार्थ के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। ये लगातार हमें खबरें देखने को मिल रही हैं। जितने भी बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट्स रहे थे, जिनके ट्रेंड्स चले थे, हमें नहीं पता कि वो ट्रेंड सारे फेक थे या फिर रियल थे, इस बारे में हम नहीं जानते। हम जानते हैं सिद्धार्थ और शहनाज गिल के बारे में बहुत अच्छे से। सबसे बड़ी वाली खास बात ये है, ये लोग सिद्धार्थ या फिर शहनाज, इन दोनों को कंपटीशन में रखकर अपना गेम खेल रहे हैं। सबसे बड़ी वाली बात, चाहे बात करें जैस्मिन भसीन की, या फिर बात करें रुबीना दिलेक की, या फिर बात करें अभिनव शुक्ला की, या अली गोनी या राहुल वैद्या, इन सबके जो भी सारे फैंस हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। किसने? जैस्मिन ने या फिर रुबीना ने? शहनाज गिल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इसने। तो आप यहां पर आइडिया लगा लीजिए कि जिस इंसान की डिमांड कितनी ज्यादा होती है, उस इंसान की वैल्यू भी कितनी है, यानी कि उससे कंपटीशन में रखा जा रहा है, उसको सामने कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिटर बन के रखा जा रहा है। यानी कि कंपटीशन इनसे ये किया जा रहा है कि सिद्धार्थ के ट्रेंड तो इतने रहे थे और हमारी रुबीना ने और हमारी जैस्मिन ने इतने ज़्यादा ट्रेंड जो है वो खड़े कर दिए, सिद्धार्थ का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। तो सिद्धार्थ अगर रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हो तो वो जो फैंडम है, उनके सॉन्ग्स आ रहे हैं म्यूजिक वीडियो या फिर उनके फोटोज इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पर लाइक्स और व्यूज़ कहाँ हैं भाई? यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है यार, साफ साफ हमें पता चलता है कि उनके फैंस सिडनास के हेटर्स बने हुए हैं और उनके फैंस सिडनास को ट्रोल कर रहे हैं। यानी कि सीधी सीधी बात ये, बिग बॉस सीजन 13 खत्म हुए हुए आज तकरीबन 1.5-2 साल के करीब हो गए होंगे, है ना, 1.5 साल के करीब, मान लो 1.5 साल हो गया होगा, मगर अभी तक सिडनास का फैंडम, सिडनास का क्रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो गया यार? ये भी इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई सा बिग बॉस सीजन खत्म हुआ हो और उसका फैंडम 1.5 साल तक चल रहा हो और आगे तक चलने की दुआएं मांग रहा हो कि हम आगे तक जो है वो ऐसे ही बरकरार रहें। यानी कि इनका साफ साफ कंपटीशन, इनका टारगेट जो है, खुले वर्ड्स में मैं कहूँ, टारगेट सिद्धार्थ या फिर शहनाज गिल, ये दोनों ही टारगेट पर लगे हुए हैं। अब बात करें आइडल की, चाहे बात करें रुबीना की या बात करें जैस्मिन की, किसी की भी बात कर ले 14 के कंटेस्टेंट्स की, ये खुद आगे आकर नहीं कहेंगे कि हमने सिद्धार्थ का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, हमने शहनाज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। नहीं भाई, कभी भी नहीं होगा ऐसा। रश्मि देसाई को आपने देखा, कभी आगे आकर बोली है ना, देवो को आगे कर दिया, देवो के जो छोटे मोटे जितने भी फैंस हों या फिर रश्मि के फैंस हों वो आगे आकर बोल रहे थे। यानी कि इसका मतलब ये होता है फेक पीआर ट्रेंड्स चलाना और फेक फैन पेज खरीद कर वहाँ पर अपनी भड़ास निकालनी, बकवास मारनी, वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ख़ास तौर से इन सब चीज़ों को कॉन्सनट्रेट करना है हमें। अगर कोई ये बोलता है कि भाई सिद्धार्थ का रिकॉर्ड जैस्मिन ने या रुबीना ने या फिर राहुल वैद्य ने ब्रेक कर लिया, तो समझ लेना वो सारी बेकार की बातें हैं, वो बिल्कुल भी 1% ठीक नहीं है यार। सोचने वाली बात है। सिद्धार्थ शुक्ला टीआरपी किंग है, सिद्धार्थ शुक्ला नंबर 1 टेलीविजन बेस्ट एक्टर रह चुके हैं, जो सिद्धार्थ का अवार्ड भी इस बात का मिला हुआ है, अभी ड्यूट का अवार्ड सिद्धार्थ को मिला है, कलर्स ने होली परफॉर्मेंस पर बुलाया, कल सिद्धार्थ का परफॉर्मेंस जो वो टेलीकास्ट किया गया। अगर सोचो रुबीना दिलेक, जैस्मिन भसीन, ये भी तो कलर्स का चेहरा है ना, इनको भी बुलाया जा सकता था, क्यों नहीं बुलाया, क्यों सिद्धार्थ को बुलाया? कलर्स को पता है सिद्धार्थ की डिमांड क्या है, कलर्स जानता है सिद्धार्थ की टीआरपी लेवल जो है वो क्या है, बिग बॉस 14 में टीआरपी ये शख्स आया था कितनी लेके आया था, और तुम सारे एक साथ में बैठे हुए थे, तुमसे टीआरपी निकल नहीं पा रही थी, जब चैलेंजर्स घर के अंदर आए थे तब थोड़ी बहुत टीआरपी मिली थी। तो ये है भाई एक बहुत बड़ा सच, इस वजह से किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में फंसने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर सामने ये आ रहा है कि रुबीना, जैस्मिन, अली गोनी या फिर राहुल वैद्या
या फिर एक्स वाई जेड जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने सिद्धार्थ चनास के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, तो भाई वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धार्थ चनास के बहुत 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 बड़े बड़े ट्रेंड हैं और जो ऑर्गेनिक फैंस होते हैं ना वो हैं इनके। तो ये है मेरा खास तौर से मैसेज, इस बात को थोड़ा सा नोटिस करने वाला था और आपने स्पेशल कर लिया ही होगा।